हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादशाह भाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 34, जो कि 2 नवंबर सुबह 9:30 में ये मैच खेली जाएगी, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। और दोस्तों, ये जो मैच होगी वो जिम्बाब्वे वर्सेज नेदरलैंड के बीच में होगी। तो दोस्तों, इस मैच की पूरी जानकारी जानी है तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैच प्रेडिक्शन भी बताऊँगी कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले वेदर कंडीशन की। तो दोस्तों, अगर वेदर कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ की वेदर 16.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रही, प्लस 70% ह्यूमिडिटी रही और 90% चांस दोस्तों कि यहाँ हम इस मैच में बारिश हो सकती है। तो बारिश होगी तो साथ ही साथ क्लाउड्स भी रहेंगे, बिन बादल की बरसात तो होती नहीं है, तो इस मैच में बारिश होने की संभावना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के अगर लास्ट 5 मैचेस की अगर टीम फॉर्म देखें जिम्बाब्वे और नेदरलैंड की। तो सबसे बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की, तो इन्होंने 5 मैच में से 3 मैच विन की है, 2 मैच लॉस किया। वही अगर नेदरलैंड की बात करें तो इन्होंने 5 मैच में से 4 मैच लॉस किए, 1 मैच विन किए। वहीं अगर इन दोनों की आने सामने यानी हेड टू हेड की बात कर देखी जाए तो दोस्तों 3 मैचेस हुई है जिसमें से 2 जिम्बाब्वे ने जीत हासिल की है और 1 नेदरलैंड ने। अब आगे बात कर लेते हैं टीम कैम्परिजन की। तो अगर दोस्तों टीम कैम्परिजन अगर की जाए तो दोस्तों सबसे पहले देखी जाए तो मैं एवरेज को हाइस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर की टीम कैम्परिजन करूँ तो जिम्बाब्वे की एवरेज को 148 है। वहीं जिम्बाब्वे की हाइस्ट स्कोर देखें तो 205 है। वहीं अगर लोएस्ट स्कोर देखें जिम्बाब्वे की तो 122 है। वहीं अगर नेदरलैंड की अगर बात करें एवरेज स्कोर तो 123, हाइस्ट स्कोर की अगर बात करें नेदरलैंड की तो 147, लोएस्ट स्कोर 91। तो दोस्तों, मैंने तो आप लोगों को एवरेज स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर, इसमें आपको कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग लगी और कौन सी टीम वीक लगी, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। और मैं तब तक वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, इस वेन्यू पे बात करता हूँ कि इस वेन्यू पे एवरेज स्कोर, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर, हाईएस्ट चेस कितना हुआ इस वेन्यू पे, लोअर डिफेंड कितना हुआ इस वेन्यू पे, वो हम देख लेते हैं। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर देखी जाए तो 181 है। वहीं सेकेंड की बात करें तो दोस्तों 139 ही है। अगर हाईएस्ट चेस की बात करें तो यहाँ पे 233 चेस हुई है, मतलब यहाँ पे भाई हाई स्कोरिंग मैच होने वाली है। तो लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 99 रन बने हैं। अगर हाईएस्ट चेस की बात करें तो 158, अच्छा लोअर डिफेंड की अगर बात करें तो 187। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 233 गया और लोएस्ट स्कोर 99 ही बना है, और हाईएस्ट चेस भी हुआ तो 158 ही चेस हुआ है। तो दोस्तों, ये ऐसा ये जो होगी मैच वो शायद डिफेंड हो सकती है इस मैच। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि इस टीम को कौन सी टीम, इस मैच को कौन सी टीम जीत सकती है और कौन सी टीम हार सकती है, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो भी प्रेडिक्शन होती है पिछले रिकॉर्ड को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों को देता हूँ, और मैं 100% दावा नहीं करता कि हमारी ही टीम जीती है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं प्रेडिक्शन बताने से पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। अगर टॉस में सेशन का एक्सपर्ट, बेस्ट एक्सपर्ट्स का अगर आप नंबर खोज रहे हो तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, अगर आप चाहो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनके साथ मैंने खुद काम किया है, इनका काम बहुत ही ज़बरदस्त है और इन्होंने हमें इनके साथ काम किया तो इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट भी करवाई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि हमारी जो भी काम होती है मैं पहले खुद पे ऊपर ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को देता हूँ। आप चाहते हो इनसे कॉन्टैक्ट करना तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मैच प्रेडिक्शन की ओर। तो प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों, मैं तो जिम्बाब्वे के साथ जाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।